नमस्कार, मैं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं स्पेन नई न्यूज। यूपी में चुनाव होने वाले हैं और कांग्रेस इस बीच में चमखम से तैयारियां कर रही हैं। प्रियंका गांधी को जो जिम्मेदारियां दी गई हैं वो बाखूबी निभाते हुए नजर आ रही हैं। लगातार प्लान बना रही हैं, लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं, लगातार जो है वो नेताओं के अंदर, कार्यकर्ताओं के अंदर अपनी जान फूंक रही हैं। लेकिन इस बीच में सवाल ये है कि जिस तरह से वो प्लान बना रही हैं, जिस तरह से मैनिफेस्टो के हर एक बिंदु पर काम कर रही हैं, कहीं ना कहीं ये प्लान तमाम विपक्षी पार्टियों के लिए हैरान करने वाली है। सबसे पहले उन्होंने 40% महिलाओं को टिकट करने देने का जिक्र सबसे खतरनाक जो है ये प्लान रहा है उनका, क्योंकि अब विपक्ष सोचने पे मजबूर हो गया है कि अब कौन ऐसे मुद्दे और कौन ऐसे वादे को लेकर जनता के बीच में जाएंगे। दूसरा, लड़कियों के लिए उन्होंने कहा कि स्कूटी और स्मार्टफोन वाली बात, तो ये भी बहुत खतरनाक रहा। और तीसरा, जो सबसे बड़ी बात महिलाओं के लिए, वो ये कि बस फेरी का ऐलान। तो कहीं ना कहीं प्रियंका का जो ये मास्टर स्ट्रोक है, ये जो प्लान है, आज विपक्ष को हैरान कर रहा है। और देखना यही होगा कि 2022 में इस प्लान से, इस मास्टर स्ट्रोक से आखिर कैसे फेस करते हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता, कार्यकर्ता, अखिलेश यादव, मायावती, तमाम लोग कैसे प्रियंका गांधी के इस मास्टर स्ट्रोक का, इस प्लान का कैसे जो है मुकाबला करते हैं। वही दूसरी तरफ अगर बात किया जाए तो प्रियंका गांधी जिस तरह से जो है लगातार अपने कांग्रेस के नेताओं में, कार्यकर्ताओं में जो जान फूंक रही हैं, जिस तरह से हमेशा रैलियां कर रही हैं, हर जगह जा रही हैं, प्रतिज्ञा यात्रा निकाल रही हैं, ये तमाम चीज़ें करने का सिर्फ एक ही मकसद है कि यूपी चुनाव को जमखम से तैयारियाँ की जाएँ। ये बरकरार रहेगा कि नहीं, ये सबसे बड़ी बात है। अब देखना होगा कि आखिर इनका प्लान जो है, क्या ये फॉर्मूला जो है जो तैयार किया गया, क्या 2000 चुनाव में कांग्रेस को फतेह दिला पाती है या नहीं, यही सबसे बड़ी बात होगी। फिलहाल के लिए इतना ही, बाकी खबरों के लिए देखते रहें स्पेन नई न्यूज़। नमस्कार।